सो गाइस आ गए फिर वीडियो में। ये किसी और का डायलॉग है भाई। स्ट्राइक मत मारियो, सच्ची में गलती से निकल गया मुंह से, मैं कहना नहीं चाहता था। चलो कोई बात नहीं, मेरे को माफ कर देगा वो, मेरे को लगता है। ठीक है तो मैं वर्ल्ड में पहुंचता हूँ यार। ये सेकंड एपिसोड है, एक्साइटेड नहीं था कोई यार? अच्छे खासे व्यूज आ गए पहले एपिसोड पे, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये सेकंड एपिसोड है और अब हमें इसमें एक घर बनाना है। आर्मर नहीं, घर पहने। अच्छा यार, मैंने थोड़ा थोड़ा ग्राफिक्स लगाए माइनक्राफ्ट में। रात हो रही है यार। यार जब भी मैं ब्लॉक्स तोड़ता हूँ, पहले बिछाई, अब क्रीपर आ गया या कुछ तो। ओए ये नहीं तोड़ यार, कैसे ग्राफिक्स है, कितना अजीबली तोड़ रही, कितना अजीब टूट रहा है। चलो ग्राफिक्स तो ग्राफिक्स होते हैं, लग गए। एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट सबको करना पड़ता है लाइफ में। ओए आऊँ अभी, ये ले वही यार ग्राफिक्स तो नहीं है। तो आज के गोल पे फोकस करते हैं। चिंगा लाला हूँ यार। यार रात हो रही है भाई, व्हाट इज दिस, अभी तो सुबह भी नहीं हुई। इट्स ओके यार, होने वाली है शायद। नहीं यार इतने खतरनाक ग्राफिक्स। अच्छा मैंने ब्राइटनेस भी फुल कर रखी है। इट्स ओके, बाय बाय गाइस, अब सुबह ही मिलूंगा मैं। सुबह से पहले बाहर ही निकलना। बंद भाई, इतना सारा गोल मिल गया, बहुत है। ठीक है अब, ठीक है यहाँ से खुला रहता हूँ। गाइस ज़ॉम्बी को जलता देख हमें पता चल चुका है कि अब सुबह हो चुकी है। एक तो मेरे ग्राफिक्स, मैंने ग्राफिक्स का नाम तो था फॉगी ग्राफिक्स, इतना फॉग हो जाएगा। खतरनाक इंग्लिश यार, मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ। ओके बिना टाइम वेस्ट करे मैं सब कुछ बताता हूँ। पहले मेरे को चाहिए स्टोन, ठीक है, और मेरे को चाहिए होगी वुड, कोई सी भी चलेगी। और मैं स्टोन की ब्रिक्स बनाऊंगा उन्हें सीमेंट करके। यार ग्लिच मत हो, ठीक है, उनके ब्रिक्स बनाऊंगा जो मैं नहीं बना लेंगे, पुराना छोड़ो, नया ला। अभी कम से कम 2-3 स्टैक तो चाहिए होंगे हमें वुड, फिर डेकोरेशन के लिए भी। यार प्रो बिल्डर हूँ, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा काम। प्रो बिल्डर को साइज सारे, या मैं नहीं बोल रहा यार, एक बेड ही बना लेता हूँ रात के लिए। रात को भी तुरंत यार एक प्लैंक्स तो होते हैं। ब्रो वेयर आ रही हूँ, थैंक्स। अब ठीक है, अब मेरे को रात में कहीं छुपना नहीं पड़ेगा घर में, अब मैं आराम से बिता पाऊंगा। ये अच्छा गन्ना भी मिल गया, इट्स ओके। टिकू दादा आप कहाँ पे रहते हैं? ये रात हो रही है, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है। क्या स्वीट ड्रीम्स की अचीवमेंट मिलेगी? सही है, नहीं मिली भाई, मैंने क्रिएटिव नहीं करा बच्चे में। देखो 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई है। अब मैं जाऊँगा कॉबल स्टोन के लिए, इस पहाड़ को खोद के रखूँगा पूरा,
ग्रेवल ही ग्रेवल। ये देखो यार, मैं कॉबल स्टोन के लिए आया हूँ, यहाँ पे स्टोन होगा। ब्रो वेयर इज स्टोन यार, मैं अभी स्टोन ढूंढ लूँ, उसी के बाद देखता हूँ। ब्रो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। ये प्लैनेट मेरे को डरावने लग रहा है यार, उसी में से वही करना पड़ेगा। मैं अच्छा सा गड्ढा खोदना चाहता था जमीन में, मज़ा आता उसे देख के। अरे चाहते नहीं ना मेरा कंटेंट अच्छा हो यार। माइनक्राफ्ट वाले खोद दिए, अब मैं इसे खोद यार। ऊपर ग्रेवल है यार, मेरी किस्मत खराब है गाइस। अब अच्छा लग रहा है माइनक्राफ्ट, मैं खो रहा था उस फिल्टर, सॉरी जो भी बोलते हैं उसे। पर अब मैं यहाँ से गड्ढा करके उसमें से पहले मैं वहाँ तक कर लूँ। अब यहाँ से जितना गड्ढा होगा, जितना माइन कर सकता हूँ उतना करूँगा, बस इतना उनसे करूँगा कि आयरन मिल जाए। ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री भर गई है, तो अब मैं यहाँ पे चेस्ट बनाऊँगा, यहीं पे सामान रखूँगा थोड़ा सा। ठीक है सो गाइस, मेरे पास 4 स्टैक कॉबलस्टोन और ये ऑलमोस्ट 3 स्टैक ये वुड हो चुकी है ओक लॉक्स। तो मैं इतना इनफ होगा शायद मेरे लिए, अब मैं इसमें अपना घर बना सकता हूँ। और हाँ, ये थोड़ा सामान फेंकता हूँ फालतू का। ठीक है सो गाइस, मेरे को ये जगह तो मिल गई है अच्छी सी। ये देखो, ये यहाँ से ये वहाँ पे स्वाम बायोम है, और ये रहे हमारे पहाड़, और ये एयरशिप में बना दूंगा इसे कभी फ्यूचर में। तो मैं अभी इस जगह को प्लेन करूंगा ताकि मैं यहाँ पे अपना एक घर बना सकूं। अरे ये भी आ गया हमारे वर्ल्ड में, अरे एक लाभ मकान गया इसका, तो पता नहीं। एक अचीवमेंट का ये फायदा कि पता चल जाता है मैंने क्रिएटिव में कुछ नहीं करा। यस, अब मैं यहाँ पे प्लेन कर रहा था, मैं थोड़ा सा तो करा, मैं यहाँ से पूरा कर दूंगा अगर हो सका तो। मेरे को घर यहाँ सेंटर में ही बनाना है, तो मैं अभी चेस्ट में सामान रख दूँ अपने यहाँ पर। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ जब तक मैं प्लेन करूँगा, जब तक मैं फर्नेस लगा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मेरे थोड़ा सामान तो स्मेल्ट हो जाएगा। ये कॉबल स्टोन और ये मेरा फूड, ये सब मैं लगा देता हूँ। तो गाइस, हमारा ये सारा ये कॉबल स्टोन स्मेल्ट हो चुका है। अब हमने बस अपने हिसाब से इसे पूरा, मेरे पास 2 स्टैक करा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाकी का भी कुछ कर सकता हूँ, ये कॉबल स्टोन का कुछ बना के। तो फिलहाल तो मेरे को शुरुआत करनी है वुड से, तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा वुड लगा के ओक लॉग। तो गाइस, मेरे को आइडिया तो कुछ ऐसा आ रहा है कि मैं यहाँ पे, ये जो पता ही होगा वैसे आपको, यहाँ से निकल पा रहा हूँ मैं अभी, करता हूँ अब। ठीक है, मैं यहाँ से इस फैंस से करूँगा, मतलब जो स्टेयर से यहाँ से रूम की स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे हमारा गेट होगा, इसके अंदर रूम होगा। ओके, और मैं यहाँ पे पूरा फेंस से कवर कर दूंगा ताकि मैं जोश जोश में कभी गिर ना जाऊँ। तो मैं इसे पहले कवर ही कर देता हूँ। ओके ब्रो, मेरे को ही दिख गया, अब मैं नहीं छोड़ने वाला इसे। दिया नहीं यार, मेरे को मारेगा ये अच्छे से भर के ट्राइडेंट, उन्हें मारा ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले मैं थोड़ा डिजाइन कर लूँ अपना घर, उसके बाद ही मिलता हूँ। मैं ऐसे 4 बार सो चुका हूँ यार, वीडियो लंबी हो रही है, बस पूरी देखनी है आपको। कितनी भी लंबी हो आपको पूरी वीडियो देखनी है, इसे लाइक करना है, इस पर कमेंट करना है कि मैं आगे क्या बिल्ड्स बना सकता हूँ। फिलहाल मैं डेकोरेट कर लूँ इसे। ठीक है सो गाइस, मैंने इतना तो इंटीरियर बना लिया है, मैं इसके नीचे एक बनाऊंगा। पर मैं ये सोच रहा हूँ ताकि हमें एक ब्लॉक एक्स्ट्रा मिले अपनी वॉल में, तो मैं यहाँ से अपनी वॉल बना सकता हूँ। और अपना पिलर तो नॉर्मली रखेंगे, इसे ही रख लेंगे पिलर, पर हमें वॉल का एक एक्स्ट्रा ब्लॉक मिल जाएगा। और मैं इसकी हाइट 4 रखने वाला हूँ, और नीचे वाले की हाइट तो यही है उसकी छत। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, फिर आपको मिलता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, पर मैं इसलिए चालू करी वीडियो क्योंकि मेरे को यहाँ पे बीच में ये लॉग लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वरना यहाँ पे गैप छूट रहा है। यहाँ से शेप तो सही बन रहा है, और मैं इसे भी एक ब्लॉक ऊपर ही छत बनाऊँगा ताकि वो अच्छा लगे, वही कि सुंदर दिखना चाहिए ना। ऊपर से मैं अंदर से इंटीरियर भी अच्छे से डिज़ाइन करूँगा, और आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। बहुत मेहनत लग रही है, आपको बिहाइंड द सीन कुछ नहीं पता, तो
मेरे को बहुत टाइम लगा, पिछले 2 घंटे से मैं इस वीडियो में ही लगा हूँ, ठीक है। मेरी बैटरी भी जाने वाली है, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को बस एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और बस सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कोई बात नहीं, बस लाइक कर देना, मेरे लिए बहुत है। ओके गाइस, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेरे को पानी में, मैं बस हैंड तोड़ रहा था इस ग्राउंड में मार। सॉरी ब्रो, हम आपके इलाके में नहीं आएंगे, पर आपने गलती कर ली हमारी, जैसे आपको चुपता करके ही जाता है। इट्स ओके, तेरे को दरवाजे से मार दूंगा मैं। उनमें सर्वाइवल वर्ल्ड में मेरे को वैसे पता नहीं, रात को मैं सो नहीं रहा, अभी वीडियो बना रहा हूँ और एक बच्चे को मार दिया उन्होंने। वैसे तू भी कम चालाक नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं अपने घर पे ध्यान दूंगा। सो गाइस, एक और यार, पानी में चला यार, ऊपर आ जा। तो मैं यहाँ पे वीडियो का एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। वैसे अगले इस रूम का हो लिया देखने के लिए, आपको अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। वैसे मैं ओवरऑल आपको दिखा दूँ, ऊपर यहाँ पे हमारा ये रूम है, ये एकदम अच्छे से बना रखा है मैंने। थोड़ा सा ये इंटीरियर डिज़ाइन करने की कोशिश की है। इस चेस्ट में मैं अपना सारा सामान भरने वाला हूँ अभी, जैसे ही बस चूज दूँगा। और गाइस, आज की वीडियो के लिए वैसे मैं आउट करता हूँ, बारिश भी हो चुकी है, मिलेंगे।